छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। जब डेट फाइनल होगी तो मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे मन पर कोई डाका डालो। तुम्हें उसे मारना होगा। शेरी, ये लो, हमारी कॉफी रेडी हो गई है। बहुत गर्म है। शर्जील, मैं बहुत उदास हूँ। मैंने परिजात सर के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझसे बिना मिले ही लौट गए। ये तुम्हारी बहुत फजूल सोच है। तुम्हें मनाने के लिए कितनी देर वो बैठे इंतजार करते रहे। मुझे गुस्सा आ गया। उन्हें पता है वो मेरे लिए कितने स्पेशल है। उन्होंने खुद वादा किया था और फिर मना कर दिया। ऑनेस्टली तुम बहुत ही अहमक लड़की हो। कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस शहर के, हजारों काम होते हैं उनके। इस तरह अचानक से तो कोई आम आदमी भी नहीं जा सकता। मैं सोच रही हूँ कि सुबह होते उन्हें फोन करूंगी और फोन करके मना लूंगी, वो मान जाएंगे। गुड गर्ल, ये की ना तुमने अकलमंदी वाली बात। वैसे मैं सोच रहा हूँ, जब से तुम मेरी सोबत में रहने लगी हो, काफी अकलमंद होती जा रही हो। वो ही ना जाओ तुम्हारी सोबत में मैं अकलमंद। कितनी खुशफहमी है तुम शर जी। वाली, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, सेठ नुमान है, क्लाइंट है हमारा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दौड़ धूप करता रहता है। शायरी से शगफ है, अदबी सा बंदा है। हाँ सर, इसकी किताब भी छप चुकी है। इनको मेरे दफ्तर भेजना। सर ये इस काबिल नहीं है, इसको तो कोई भी डायरेक्टर डील कर लेगा। सर बड़ा लीचर सा बंदा है, आपका टाइम वेस्ट करेगा। जितना कह रहा हूँ उतना करो कमाली। मेरे दफ्तर भेजो। थैंक यू। मैं आई कम इन सर। आइए। सर मेरी खुशकिस्मती है कि आज इतने बरसों बाद इस ऑफिस में दोबारा आना हुआ। बहरोज करीम साहब के मैं खास खादिम था, बहुत सारे सौदे हमने इकट्ठे किए हैं जी। जानता हूँ, सौदेबाजी में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं सेठ। बहुत अच्छे सौदा करो जी। जरा नवाजी है आपकी। एक सौदा मेरे साथ भी करोगे? सर आप हुक्म तो करें, आपके लिए जान भी हाजिर। तो बताओ। मेरी शायरी वापस करने की क्या रकम लोगे? तुम मेरा मतलब है आप? क्या हुआ सेठ, इतने हैरान क्यों? तुमने शायद सुना नहीं, ये दुनिया आलम मुमकिनात है, यहां कुछ भी हो सकता है।
ये वक्त आपका है प्लीज एडमिर सर। जी मालिक। इसे ज़हन नशीन कर लो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। आप बेफिक्र हो जाएं मालिक, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सारी रात ही मेरा सर खाती रही कि सुबह होते ही मुझे परीजा सर के ऑफिस ले चलो। एक तो रूठती भी खुद ही है और फिर सॉरी भी खुद ही होती है। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, वैसे भी शुक्र है एनी को मेरी मजबूरी समझ आ गई। अब क्या आप लोग आपस में बातें करते रहेंगे या मेरी भी कुछ सुनेगा? ओ बाबा, सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम्हें। लो कर लो सर से अपनी बात। परीजात सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे आखिरी शो में मेहमान बनकर आए। मैं अपने हर शो में आपकी बातें करती रही हूँ, आपकी नज़में शेयर करती रही हूँ। मेरे सब लिसनर्स बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। एनी, तुम जानती हो मैंने अपना शायरी वाला ये माजी का हिस्सा छुपा रखा है सबसे। पीजेड की शिनाख्त ने मिटा डाला सब कुछ। मैं यही तो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि दुनिया को आपके अंदर की खूबसूरत लफ्जों का पता लगे। मैं दुनिया से आपको मिलवाना चाहती हूँ। मगर मैं, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। पहले भी आपने मेरी बात नहीं मानी थी साथ चलने वाली। प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी सी बात नहीं मानेंगे आप मासूम सी एनी की? अपनी बात मनवाना खूब जानती हो। कब है शो? थैंक यू परिजात सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी का सबसे यादगार शो रहेगा ये शो। जो मैं रात को है, शाम 8 बजे, मैं आपका बहुत इंतजार करूंगी। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान आपका इंतजार करेगा परिजात सर। आपका बहुत शुक्रिया। और शर्जील, तुम भी आना, बस ज्यादा देर मत करना, पता है ना मेरा? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि जुमेरात को मेरी सर्जरी है, खत्म करती सीधा तुम्हारी तरफ आऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना वरना पता है ना मेरा, जानते हो मुझे। हाँ बाबा, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, बिल्कुल आऊंगा।
जुमेरात की शब किसी भी वक्त वो लड़का अस्पताल से निकलेगा। जी मालिक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अहमद नासाज वल इत्तेशामुद्दीन झरना वल सुरील खान, आपका निकाह बिल एवज हक महर 25,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो मेरे शायरे बदनाम, आखिरी मोहब्बत बहुत बहुत मुबारक। भाई तुम एक आजाद शायर को कैद की सजा सुना रहे हो। निकाह पहला और आखिरी हो सकता है, लेकिन आखिरी मोहब्बत की शर्त तो ना लगाओ। तुम नहीं सुधरोगे कभी नहीं। तो हमारी फिल्म के आखिरी गाने की शूट ऑन डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट रखी मैंने सोचा कि झरना और नासाज को भी साथ में ले जाऊं। मेरी तरफ से इनकी हनीमून की ट्रीट हो जाएगी। फ्लाइट आज रात है। क्या बात है, शुक्र करो ना शुक्र शायर, ऐसी प्रोड्यूसर किसी को नहीं मिलती। नहीं नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन है फरीजाद। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्यों ना साज। हाँ क्यों नहीं, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने चार। बेशक जरूर चलता, बस मेरे कुछ अधूरे काम है यहाँ पर, वो पूरे करने। तुम और तुम्हारी मसरूफियात। चलो बाहर हाल, अगर तुम्हें वक्त मिले तो जरूर आना, हम बहुत मिस करेंगे तुम्हें। जरूर। मैं आई। तुमने एनी से बात की? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम बेवजह इतनी देर क्यों कर रहे हो। हम देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हाँ लेकिन इस मर्तबा देर मत करो। इस मर्तबा जी। तो लिसनर्स, अभी अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया है कि वो हस्ती हमारे स्टूडियोज में तशरीफ ला चुकी हैं, जिनके लिए आज का ये स्पेशल शो अरेंज किया गया है। मेरे मोहसिन, मेरे आइडियल परिजात। गाड़ी चालू रखना। गाड़ी फॉलो कर उसके पीछे। जी तो लिसनर्स,
मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रही हूँ ये सब कुछ उन्हीं के दम से है। मैं हमेशा अपने शोज में जिक्र करती हूँ मेरी एक बहुत प्यारी सी अम्मी है, बहुत ही अच्छा और बहुत शरारती कजन और दोस्त है जो हमेशा मेरी जिंदगी में बहुत मजबूत सहारा बने, मुझे कभी लड़खड़ाने नहीं दिया। मेरी आंखें ना होने के बावजूद मेरा ऐसा मजबूत सहारा बने कि मैं बिसात वालों से ज्यादा तेज चलने लगी। लेकिन जिंदगी में कभी इंसान कमजोर पड़ जाता है और मुझ पर भी ऐसा वक्त आया कि मेरा सब्र जवाब देने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत हमेशा जख्म से पहले उसका मरहम तैयार रखती है, और मेरा मरहम इस हस्ती के खूबसूरत लफ्ज बने। जी जनाब, इनकी खूबसूरत अल्फाज मैंने अपनी आंखों से नहीं अपने दिल से पढ़े। अक्सर सोचती हूँ जिस इंसान के अल्फाज इतने खूबसूरत हैं उसकी मसीहाई कितनी अच्छी होगी। गाड़ी से दबा के रख। गाड़ी दबाना इसके साथ, हटाइए बाइक वाले को। जी जनाब, ये मसीहा ही तो हैं जो आज मेरी फरमाइश पे हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं। आप सब लोगों की इनसे बात करवाने से पहले इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वेल लिसनर्स, हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिस पे हम खुद से ज्यादा इतबार करते हैं, जिस पे हम अंधा भरोसा करते हैं, जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा मजबूत दीवार की तरह खड़ा होके हमारी हिफाजत करेगा। मेरे आइडियल, मेरे मेंटोर वही शख्सियत हैं जिन पे मैं अंधा भरोसा करती हूँ, और मेरी हर खुशी का जामिन वही हैं। तो जनाब, आपकी मुलाकात करवाती हूँ हम सबके फेवरेट परिजात से। गाड़ी रोक, शीशा नीचे कर, आगे रास्ता क्लियर रखना। अस्सलामुअलैकुम सर, कुछ सॉक्स वगैरह सेल करना था, कोई देखे आप अपनी जरूरत में आए? नीचे जा रहा है सर, निकल गई गाड़ी, लगा लगा पीछे ले। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? आज खुद से खुद की मुलाकात हुई तो नजरें छुपा ली तुमने, क्योंकि तुम ये जान गए हो कि तुम भी सारे जमाने की तरह अपनी मर्जी के गुलाम हो, खुद गर्ज हो तुम भी। तुम पे कितना भरोसा करती है, कितना मान है उसे तुम्हारी दोस्ती पर। और तुम क्या करने जा रहे हो? यह है तुम्हारी नाम नहाद मोहब्बत जो तुम्हें उसकी खुशियां बर्बाद करने पर मजबूर कर रही है? कितने कम जर्फ हो तुम, और कितनी आला जर्फ है वो। जितना उसका तन और मन उजला है, तुम उतने ही अंदर और बाहर से मैले हो, दागदार हो, मुनाफिक हो, स्याहकार हो। यही तुम्हारी असलियत है, यही तुम्हारी औकात।
पीछे बिल्कुल जाम करके रख। गांव के वास्ते पर फोन उठा, फोन उठा लूं वरना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। हेलो, अकबर कहाँ हो तुम? मालिक बस रास्ते में हूँ, शिकार बिल्कुल मेरे सामने। नहीं नहीं, रुको 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 अकबर। मालिक आप फोन रखिए, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, काम खत्म कर दे। अकबर पर मेरी बात सुनो, रुक जाओ, कुछ नहीं करोगे तुम उससे। हेलो मालिक, मालिक आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप बहुत शोर है। मालिक आप बस सिर्फ दो मिनट दीजिए मुझे, मैं आ रहा हूँ, बस काम खत्म करके आया आपके पास। जी मालिक, उस वक्त यहाँ शोर बहुत था। अकबर, ये आवाज किस चीज की थी? तुमने गोली चला दी? नहीं मालिक, ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर की आवाज थी। दुश्मन अभी भी मेरे निशाने पर है, अगली सड़क बिल्कुल सुनसान है, वहाँ पहुँचती उसे। नहीं अकबर, अकबर मेरी बात, अकबर मेरी बात सुनो, सुनो, तुमने उसे कुछ नहीं कहना, गोली नहीं चलानी तुमने। लेकिन मालिक, दुश्मन पर रहम मत खाइए। अकबर तुम उसे कुछ नहीं करोगे, वापस आ जाओ। ठीक है मालिक। प्यार की खालिस नजर, जिसकी तलाश और इंतजार में तुमने अपनी सारी उम्र बिता दी। शायद वो नजर इस दुनिया में तुम्हारे लिए उतरी ही नहीं। छोड़ दो अभी ये लाहासिल कोशिश और खत्म कर दो ये सारे जमीले जो तुमने उस एक नजर के लिए अपने इर्द गिर्द सजा रखे हैं। ना दौलत तुम्हारी किसी काम आई, ना ताकत से तुम अपने लिए किसी का प्यार जीत सके। तुम एक हारे हुए इंसान हो, ये दुनिया तुम जैसों के लिए नहीं बनी। परिजात जी, मैं परिजात बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना चाहता हूँ। But if you don't mind me asking, आपने अपना फैसला क्यों बदला? आपने कहा था अपनी बैरूनी शख्सियत बदलने के बाद अंदर की शख्सियत को भी बदलते हुए देखा है। मैं अपने अंदर के परिजात के साथ जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और मरना भी। अरे खाला, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे आज तो खुशी का दिन है भाई। एनी जब ठीक होके वापस आएगी ना, तो मेरी गाड़ी में बैठ के आपको पूरे कराची की सैर कराएगी। कम ऑन खाला, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। अच्छा, तुम्हें पता नहीं मेरी जान तुम में अटकी रहेगी। मेरा ख्याल है तुम दोनों को निकलना चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 2-3 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होता है। जी सर, बिल्कुल। खाला, वो मैं एनी की फाइल्स भूल गया हूँ, वो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ रखी हैं? हाँ हाँ, चलो मैं देती हूँ।
आज फिर अर्चयनी जा रही है। हम आप आ जाएंगे ना, मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी। सब का ख्याल रखना। बहुत कीमती हो, बहुत नाजुक हो। जब आप आ जाएंगे तो आप मेरा ख्याल रखेंगे। और आपको याद है ना मेरी विश, ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। इतने बेहतर लोग होंगे वहां देखने को मुयस्सर, फिर मुझे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप खुद नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। नहीं, रोने की क्या बात है इसमें? इतनी बहादुर हो तुम, अभी तो और जंग लड़नी है तुम्हें। आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे रोना तो आएगा ना। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और याद रहे मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, हमेशा याद रखना, मेरी सारी दुआओं में तुम हो और मेरी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए। खुश रहो, आबाद रहो। नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। सर आपसे कोई मिलने आया है, इजाजत हो तो अंदर बुला लूं। कौन है? माजिद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? शुक्र है। आओ बैठो, बैठो, बैठो। मुझे नाहिद ने सब बता दिया। सच पूछो तो मैं तो अपने आप से अब आंख ही नहीं मिला पा रहा। सर आई एम सॉरी,
लेकिन मैं क्या करती, आप ही को शक हो गया था, सवाल पूछ पूछ कर उन्होंने मेरा सर खा लिया था, मजबूरन मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा और उन्होंने सब कुछ माजिद भाई को बता दिया। पहले ही इतने ज्यादा एहसान आते हैं। मैंने ये सब एहसान की नीयत से नहीं किया था, मैं जानता था कि आप बेरोजगार हो, मगर मैं ये भी जानता था कि आप बेहद टैलेंटेड हो और ऐसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन आप बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। मैंने तो सिर्फ मौका फराहम किया था। ये तुम्हारी आला जुल्फी है, वरना तो मैंने तुम्हारे अंडर काम करने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ज़हनी तौर पे तुमसे बेहतर हूँ। मेरे इस घमंड ने, मेरे इस गुरूर ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, ये पुरानी बातें नहीं, ये भी तो सच है कि मोहल्ले में हमेशा आप ही अच्छी पोजीशन लेते थे, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए, और फिर हम सब बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। हाँ, मुझे याद है, और मैं वो मिठाई की प्लेट लेकर सबसे पहले मिर्जा साहब के घर पे दस्तक दिया करता था। याद है, देखिए इस खिदमत ने आपको कितना बड़ा सिला दिया। लेकिन सर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये ट्रस्ट भी बहुत बड़ा होना चाहिए रेहान साहब, जहां बसारत से महरूम लोगों के इलाज का इंतजाम हुआ करेगा। चाहे इलाज दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये ट्रस्ट इस बात को यकीनी बनाएगा कि लोगों को उनकी आंखें वापस मिल जाए। बेफिक्र हैं सर आप, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इस ट्रस्ट के सारे इंतजाम आप खुद देखेंगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी फंडिंग पीजेड मीर ग्रुप से आ रही है। मगर सर, आपने ऐसा निज़ाम बना तो दिया है कि ट्रस्ट के अकाउंट में हर माह एक ख़ास रकम जाती रहेगी। सर, आप जानते हैं कि ऑडिट के हज़ार मसाइल होते हैं, मुझे किसी ना किसी मकाम पे सर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, वरना सर ये ट्रस्ट बंद हो सकता है। नहीं, ट्रस्ट नहीं बंद होना चाहिए। मैं शायद एक लंबे सफर के लिए जाऊं, मैं आपसे हर दो तीन माह बाद रابطہ करके इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा। सर, आप कहां जा रहे हैं? सर, कहीं यूके वाली कंपनी के मामलात देखने तो? सर, मैं अभी वाजे तौर पे बता नहीं सकता, मगर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, इत्मीनान रखिए। ठीक है सर। ठीक कहा था आपने, कामयाब वही होता है जो हर दर्द की दहलीज को पार करने का हुनर जानता हो। मैंने भी दर्द और अज़ियत की कई सरहदें पार की हैं, मगर आप जितना मजबूत और बहादुर नहीं हो। मैं अब मजीद किसी से ठुकराए जाने की तकलीफ नहीं सह पाऊंगा, इसलिए आपकी ये सल्तनत छोड़कर जा रहा हूं। इस सल्तनत की सही देखभाल नहीं कर पाया मैं, बहुत शर्मिंदा हूं। दर्द की जिस हद को आपने छुआ था कभी, मेरी इतनी औकात ही कहां। आज मुझे ये बात समझ में आई है कि आपने अपनी सबसे महबूब हस्ती को मौत के घाट क्यों उतार दिया था।
ये भी आपके इश्क की एक आखिरी हद थी और मैं तो अपने रकीब की जान भी ना ले सका। आप ही कहा करते थे ना, कमजोर और बुजदिल मर्द को इश्क करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मैंने हर बार ये गलती की और हर बार मुंकी खाई। इसी बात की सजा दे रहा हूं मैं खुद को, मेरी कोताहियों, मेरी कमजोरियों और मेरी नाअहली को माफ कर दीजिएगा मालिक। माफ कर दीजिएगा। पूछ परी सादों से।